हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप गांगुली और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आपको अमेजोन में जो योर एड्रेसेस वाला जो वेब पेज है वो आपको कैसे क्रिएट करना है। तो इससे पहले हम लोगों ने जो है योर अकाउंट वाला पेज बनाया था, उसमें हम लोगों ने यहां पर ये तीन बटन दिए थे। जब आप योर एड्रेसेस पे क्लिक करेंगे तो जो है आपका एड्रेस जो जो आपके अकाउंट के साथ ऐड है, जिन पे डिलीवरी होनी है, तो वो एड्रेस वहां पे दिखाया जाता है। तो वही जो यूजर इंटरफेस है वो हम लोग आज इस वीडियो में बनाने वाले हैं। तो अमेजोन की अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पे आपको योर एड्रेस करके एक ऑप्शन मिलेगा। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर इस तरह का पेज बन के आता है। इसमें सबसे पहले ब्रेड क्रम जो है वो लगा होता है, उसके बाद आपके पास यहाँ पे जो हेडिंग है वो होता है, और उसके बाद आपके पास यहाँ पे कार्ड बने होते हैं। सबसे पहला जो कार्ड होता है इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो एड्रेस ऐड करने वाला फॉर्म निकल कर आएगा और यहां से आप एड्रेस ऐड कर पाएंगे, जो कि हम लोग इस वीडियो में नहीं बनाने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। और उसके बाद जो जो एड्रेस आपके अकाउंट में पहले से लिंक है वो जो है आपको यहाँ पे बाकी के कार्ड्स में दिखाई देते हैं। तो यही वाला जो यूजर इंटरफेस है आज हम लोग बनाने वाले हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने जो है कोड में वापस जाना होगा और यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर एक नया फाइल बनाना होगा, और इस फाइल का नाम हम लोग रखेंगे your_addresses.html। उसके बाद आपको nav.html फाइल को ओपन करना होगा। इसके अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है CTRL A दबा के सेलेक्ट करिए, CTRL C दबा के कॉपी करिए, youraddresses.html फाइल में जाके CTRL V दबा के पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, youraddresses.html फाइल के अंदर कुछ जो चेंजेस करेंगे, जैसे कि यहाँ पर जो ये टाइटल टैग है उसमें हम लोग लिखेंगे योर एड्रेसेस, ये हम लोग लिख देंगे। उसके बाद जो है अब हम लोग इस पेज को रन करके देखते हैं। तो इसके लिए आपको अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में जाना होगा, जो कि मैंने पहले से यहाँ पे ओपन करके रखा है। इसके अंदर आपको योर एड्रेसेस डॉट html फाइल दिखाई देगा, आपको इसे ओपन करना है और ये आपका पेज ओपन होकर आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है कि अपने विजुअल स्टूडियो कोड में जाके योर अकाउंट डॉट html फाइल में आना है, और यहाँ पे जो आपने कार्ड ऐड किया था, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं योर एड्रेसेस के लिए, उसके पीछे जो लिंक सेट करना है वो आपको इस पेज का दे देना है। तो हम लोग अपने विजुअल स्टूडियो कोड में वापस चलते हैं। यहाँ पर योर एड्रेसेस देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे हमें लिंक सेट करना है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे योर एड्रेसेस डॉट html। उसके बाद CTRL S दबा के फाइल को सेव कर दीजिएगा। वेब ब्राउजर पर चलेंगे, पेज को अगर आप रिफ्रेश करेंगे, उसके बाद अगर आप यहाँ पे क्लिक करते योर एड्रेसेस के ऊपर, तो आप जो है योर एड्रेसेस डॉट html फाइल पे पहुंच जाएंगे। तब हम लोग को नेक्स्ट काम जो करना है वो ये है कि हमें ब्रेड क्रम्ब जो है वो ऐड करना होगा। तो हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में, जिसमें हम लोगों ने अकाउंट में जो आपके ऑर्डर्स होते हैं जो दिखाता है, उस पेज में हम लोगों ने बनाया था। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए योर ऑर्डर्स करके है, इस पे अगर आप जाएंगे ब्रेड क्रम्ब हम लोगों ने बनाया था, तो इसी का कोड हम लोग कॉपी करके पेस्ट कर देंगे अपने योर एड्रेसेस पेज पर। तो आपको यहाँ पर योर ऑर्डर्स डॉट html फाइल ओपन करना है, और यहाँ पर जो है नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको ये देखिए लिखा मिलेगा url ब्रेड क्रम्ब स्टार्ट। तो आपको इसी कोड को यहाँ से करना है कॉपी, ये मैंने कॉपी किया, योर एड्रेसेस डॉट html फाइल में जाना है और यहाँ पे नीचे की तरफ आपको आना होगा, और यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक कंटेनर क्रिएट करना होगा। और इसके लिए हम लोग जो बूटस्ट्रैप का कंटेनर जो क्लास सिलेक्टर होता है उसका यूज करेंगे, और इसके अंदर जाके हम लोग ब्रेड क्रम्ब के कोड को पेस्ट कर देंगे। फिर आपको यहाँ पर चेंजेस करने होंगे, और चेंजेस में आपको क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे योर अकाउंट जो है वो आपका रहेगा, और यहाँ पे अकाउंट में जो स्पेलिंग मिस्टेक है इसको ठीक कर लीजिएगा, योर अकाउंट ये है, और योर ऑर्डर्स में भी स्पेलिंग मिस्टेक रहा होगा तो उसको भी ठीक कर लीजिएगा। इस तरीके से जो मैं कोड लिख रहा हूँ इसमें अगर आपको कहीं पर स्पेलिंग मिस्टेक दिखे, कोई लिंक जो है ना लगा हुआ दिखे, तो उसे खुद से जो है सही कर लीजिएगा। मैं तो जो है बाद में जो फाइनल कोड होगा उसमें मैं चेंजेस कर दूंगा सारे के सारे। तो ये योर अकाउंट मैंने कर दिया, उसके बाद यहाँ पे ये पहला यही रहेगा। दूसरे वाला जो आपका ब्रेड क्रम्ब में ऑप्शन है उसमें हम लोग योर ऑर्डर्स नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग योर एड्रेसेस, तो ये मैंने लिख दिया। अब हम लोग अपने वेब ब्राउजर पर चलते हैं और जो अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं योर एड्रेसेस वाला, ये देखिए ब्रेड क्रम्ब बन के आ गया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि यहाँ पे अमेजोन में बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो योर अकाउंट पे पहुंच जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस पेज पर आ जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट काम हमें करना है वो ये है कि हमें ये वाला हेडिंग जो है वो चाहिए। तो उसके लिए हम लोग अपने कोड में वापस चलेंगे और यहाँ पर आपको हेडिंग लिखना होगा, और हम लोगों ने योर ऑर्डर्स वाला जो पेज था उसमें हम लोगों ने H3 टैग का यूज करके हेडिंग बनाया था, तो हम लोग इसी को ले लेते हैं। तो मैंने इस हेडिंग को यहां से किया कॉपी, अपने कोड में जो है वापस चलते हैं
और वहां पर जाके इसे पेस्ट कर देंगे तो हम लोग यहाँ पे योर एड्रेसेस डॉट एस टी एम एल फाइल में आएंगे, जहां पर आपका ब्रेड क्रम जो है एंड हुआ उसके नीचे आके पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पे जाके आपको लिख देना है योर एड्रेसेस, आपको यहाँ पे लिख देना है। तो ये मैंने लिख दिया, सेव कर लीजिएगा CTRL S दबा के। वेब ब्राउजर पर वापस चलेंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे और ये देखिए लिख के आ गया बिल्कुल उसी तरीके से जैसा अमेजोन पे है। उसके बाद हमें यहाँ पे जो है कार्ड बनाना होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो बूटस्ट्रैप में जो ग्रिड सिस्टम होता है उसका हम लोग यूज करेंगे। तो इसके लिए आपको रो कॉलम जो है वो बनाना होगा। तो रो कॉलम बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने कोड में वापस चलना है और वहां पर जो अपने योर एड्रेसेस लिखा है इसके नीचे आपको आ जाना है और यहाँ पे लिखना है एड्रेस कार्ड, हम लोग कमेंट लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे ये कमेंट लिख दिया और मैंने यहाँ पे लिखा एड्रेस। उसके बाद मैंने यहाँ पे डॉट लगाया, मैंने रो लिखा, ये मेरा रो बन गया, डॉट लगाया, कॉलम लिखा, MD लगाया। मैंने यहाँ पे कॉलम का जो विड्थ था वो 4 दिया, मैं एक रो में 3 कॉलम बनाऊंगा, ये मैंने यहाँ पे बना दिया। इसके अंदर जाके हमें जो अपना कार्ड क्रिएट करना होगा और कार्ड जो आपका बनेगा, जो सबसे पहला जो कार्ड बनेगा जो कि ये प्लस वाला आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो सबसे पहला जो कार्ड आप बनाएंगे वो क्लिकेबल होगा, यानी कि इस पे क्लिक करने पर एक फॉर्म निकल के आएगा जो कि आपका ये एड्रेस को भरने वाला है। तो इसीलिए हमें जो ये कार्ड जो ए टैग होता है लिंक टैग उसके अंदर बनाना होगा। तो हम लोग अपने कोड में वापस चलते हैं, यहाँ पे जो आपने रो बनाया है, ये जो कॉलम बनाया है इसके अंदर आपको आना, यहाँ पे आपको ए टैग का यूज करना होगा और इसमें जो लिंक वाला ऑप्शन है ये सेलेक्ट करिए, ये बन गया। इसके अंदर आपको आना है, इसके अंदर इस ए टैग के अंदर आपको जो है कार्ड क्रिएट करना होगा। इस लिंक के ऊपर हम लोग कुछ क्लास सेलेक्टर यूज करेंगे, जैसे कि ये जो है बटन वाला क्लास सेलेक्टर हम लोग यूज करेंगे। इसका जो बैकग्राउंड होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब हम यहाँ पे कार्ड क्रिएट करेंगे और यहाँ पे जो HRF लिखा हुआ है इसमें हम लोग फिलहाल हैश वाला सिंबल लगा देते हैं। तो हम लोगों को अपने क्या करना है, बूटस्ट्रैप का जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपको वहां पे जाना होगा और वहां पे जाके आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना होगा। लेफ्ट हैंड साइड पे जो है आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिलेंगे, यहां से आपको कंपोनेंट पे क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पे कार्ड पे क्लिक करना है। तो कार्ड कैसे बनाया जाता है बूटस्ट्रैप में, उसका कोड पहले से यहाँ पे लिखा होगा तो हम लोग उसी को कॉपी कर लेंगे और उसका जिसे अपने कोड में जाके पेस्ट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया CTRL V दबा के। फिर हम लोग अपने वेब ब्राउजर पर वापस चलेंगे और पेज को एक बार रिफ्रेश करेंगे तो आप देख पाएंगे, ये देखिए कार्ड आपके सामने बन के आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, इस कार्ड के अंदर जो कंटेंट मौजूद है उसे चेंज करना होगा। तो ये करने के लिए आपको अपने कोड में फिर से वापस आना होगा और यहां पर आके आप सबसे पहले जो इमेज है उसे हटाएंगे यहां से, इसकी कोई जरूरत नहीं है, कार्ड का बॉडी रहेगा। कार्ड में जो टाइटल है इन सब की हमें कोई फिलहाल जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो कार्ड टेक्स्ट है और ये जो ये चीजें इसे हटा देते हैं, कार्ड टाइटल हम रहने देते हैं और यहाँ पे जो कार्ड टाइटल में लिखा है वहां पे हम लोग लिखेंगे जो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये अमेजोन की वेबसाइट पे ये लिखा है एड एड्रेस, ये लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर अपने कोड में वापस चलते हैं, यहाँ पे एड एड्रेस लिखते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हमें फॉन्ट ऑसम का यूज करके आइकॉन एड करना होगा, प्लस वाला आइकॉन जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। पेज को हम लोग रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए एड एड्रेस लिख के आ गया। तो फॉन्ट ऑसम के आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना होगा और उसके बाद उसमें आके प्लस आपको आइकॉन जो है ये सर्च करना होगा। तो मैंने सर्च में प्लस लिखा, सर्च करिए, यहाँ पे आपको जो इसकी वेबसाइट पे प्लस वाले आइकॉन के कई आइकॉन मिल जाएंगे, आपको जो भी पसंद हो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हो। तो हम लोग ये प्लस वाला लेंगे, इस पर डबल क्लिक करिएगा, ये पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको ये आई टैग जो है इस पर क्लिक करना है, अपने कोड में वापस चलना है और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है, ये मैंने पेस्ट कर दिया, हो गया। और उसके बाद अपने वेब ब्राउजर पर वापस चलना होगा आपको और वहां पर जब आप पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आपको प्लस वाला ये आइकॉन दिखने लगेगा। अब अगर आप यहाँ पर इसको साइज को बड़ा करना चाहते हैं, कलर बदलना चाहते हैं, तो ये सब कैसे करना है वो देखते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि अपने जो है कोड में वापस चलिए, वहां पे जो यहाँ पे आपने क्लास सेलेक्टर यूज किया है फॉन्ट ऑसम के लिए, उसमें आके आपको लिखना होगा FA- कितना बड़ा चाहिए। तो मैंने कहा 3x मुझे चाहिए। उसके बाद हम लोग अपने वेब ब्राउजर पर वापस चलते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं और देखिए इतना बड़ा हो गया। अब अगर आप इसका कलर को बदलना चाहते हैं और आप ठीक अमेजोन का कलर चाहते हैं, तो उस केस में आपको क्या करना होगा कि अपने कीबोर्ड पे CTRL शिफ्ट और K दबाइएगा, वेब कंसोल निकल के आएगा। अगर ये ना निकल कर आए तो आप यहाँ पर जाइएगा, यहाँ पे जो 3 डॉट दिखाई दे रहा है आपको इस पर क्लिक करना है, वेब डेवलपर पर जाना है, वेब कंसोल पर क्लिक करना है, सेम यही चीज आपको दिख जाएगा। और ये जो शॉर्टकट की है ये मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउजर के लिए, जो दूसरे वेब ब्राउजर है जैसे कि ओपेरा हो गया, सफारी हो गया, क्रोम हो गया, उनमें कोई डिफरेंट शॉर्टकट हो सकता है या फिर सेम हो सकता है, लेकिन हर वेब ब्राउजर में ये वेब कंसोल वाला चीज आजकल आता है। तो आप ढूंढ लीजिएगा आप जो वेब ब्राउजर यूज कर रहे हैं उसमें कैसे देखना है।
उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें जो ये वाला सिलेक्टर वाला जो ये आइकॉन है आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने पर क्या होता है कि आप अपने जो ये वेबसाइट ओपन है उसमें से कोई एक आइटम को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मुझे कार्ड जो है ये देखना है, तो मैंने एक कार्ड सेलेक्ट कर लिया। या फिर अगर आप इस आइकॉन पर ले जाएंगे तो इस पर आप जो है देख पाएंगे। और फिर जो है यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पर हम लोग पहले तो पूरा कार्ड हम लोग सेलेक्ट करते हैं। जैसे आप इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो इसकी जो कौन सा टैग यूज किया वो आ जाएगा, और यहाँ पर आपको जो है यहाँ पे CSS में कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई वो आपको देखने लगेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो कलर है वो ये वाला यूज किया गया है, ये वाला कलर। तो हमें ये वाला कलर चाहिए तो हम लोग ये कलर ले लेते हैं। और यही कलर जो आपके बॉर्डर पे भी यूज किया गया, जो बॉर्डर आप देख पा रहे इसी पर भी किया गया है। तो हम लोग बॉर्डर भी जो इसी वीडियो में क्रिएट करेंगे। अपने कोड में वापस चलते हैं, कलर हमें मिल चुका है। तो यहाँ पर आपको आई टैग में जो है इसका यूज करना है, और यहाँ पे आपको जो है लिखना होगा कलर वाला प्रॉपर्टी CSS का यूज करना है। कलर जो आपने कॉपी किया उसे पेस्ट कर दीजिए, सेमी कॉलन लगाइए, वेब ब्राउजर पे वापस चलिए और जो पेज है उसे रिफ्रेश करिए, और ये देखिए कलर बदल जाएगा। तो आपका ये जो कार्ड बना है इसमें बॉर्डर नहीं बना है, बॉर्डर आपको क्रिएट करना है बिल्कुल ऐसा ही जैसे अमेजोन पे बना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे बॉर्डर स्टाइल जो है डैश्ड वाला यूज किया गया, बॉर्डर का जो विड्थ है यानी कि चौड़ाई जो है 2 पिक्सल का दिया गया, कलर जो ये दिया गया। तो अब इन्हीं प्रॉपर्टीज को लेकर हम लोग बॉर्डर जो है क्रिएट कर लेते हैं। अपने कोड में वापस चलिए, जहां पे आपने कार्ड बनाया वहां पे स्टाइल प्रॉपर्टी लगा होगा, इसके अंदर आपको आना है। यहाँ पे बॉर्डर करके जो प्रॉपर्टी होता है CSS में आपको उसका यूज करना है। बॉर्डर प्रॉपर्टी को यूज करने पर जो आपका कंटेनर होता है उसके चारों तरफ एक बॉर्डर बन जाता है। इसमें आपको कुछ वैल्यूज देनी होती है, और यहाँ पे कंटेनर का मतलब है ये जो कार्ड है ये आपका कंटेनर है, और ये जो चीजों को कंटेन कर रहा है वो आपका कार्ड बॉडी और ये सब है। तो बॉर्डर का जो सबसे पहले आपको पिक्सल बताना होगा, जो कि 2 पिक्सल है जो कि हम लोगों ने अभी अभी देखा। उसके बाद आपको बताना होता है कि ये बॉर्डर किस तरह का होगा, सॉलिड होगा, डॉटेड होगा, डैश्ड होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा डैश्ड होगा। उसके बाद आपको बताना होता है जो बॉर्डर बनेगा इसमें कलर आपको कौन सा चाहिए। तो हम लोग को यही वाला कलर चाहिए, तो हम लोग इसी कलर को यहाँ से करेंगे कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे सेमी कॉलर लगा देना है और ये जो आपका प्रॉपर्टी है वो हो जाएगा। अपने वेब ब्राउजर पर वापस चलिएगा, पेज को एक बार जो रिफ्रेश करिएगा तो आप देखेंगे आपका जो बॉर्डर है वो बन के आ जाएगा। उसके बाद अगर आप अपना जो है ये जो कार्ड यहाँ पे बन के आ रहा है इसका जो साइज है अगर वो आप चेंज करना चाहते हैं, बिल्कुल ऐसा ही बनाना चाहते हैं, तो वो कैसे करना है वो हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए जो है आपको वही अपने कोड में यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर आपको जो है हाइट और विड्थ आपको कार्ड का दिखाई देगा। तो यहाँ पर इसी हाइट और विड्थ को आपको सेट कर देना अपने कोड में। तो 320x266 पिक्सल लिखा हुआ है, तो हम लोग अपने कोड में वापस चलते हैं। यहाँ पे विड्थ की जगह पे लिखेंगे हम लोग 320, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे सेमी कॉलन लगाएंगे, हाइट वाला प्रॉपर्टी लिखेंगे और उसमें हम लोग वैल्यू लिखेंगे 266 पिक्सल। अपने पेज पर वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं और ये देखिए कार्ड आपका बड़ा हो जाएगा। अब आप देखेंगे जब आप कार्ड को बना लेंगे तो आपका जो ये आइटम है ये सेंटर में नहीं है, ये एक ऊपर की तरफ है। तो आप इसे थोड़ा नीचे कैसे लाना है हम लोग ये देखते हैं। हम लोग इसे सेंटर में नहीं लाएंगे, नीचे कैसे लाना है वो हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए आपको जो है पैडिंग प्रॉपर्टी का यूज करना होगा। पैडिंग प्रॉपर्टी जो होता है कंटेनर होता है उसके अंदर से स्पेसिंग ऐड करता है, और जो मार्जिन होता है वो कंटेनर के बाहर से स्पेसिंग ऐड करता है। और जो हम लोग यहाँ पे पैडिंग ऐड करेंगे वो टॉप से देंगे, टॉप का मतलब होता है ऊपर की तरफ से। तो हम लोग अपने कोड में वापस चलते हैं, यहाँ पे जो आपने कार्ड बॉडी लगाया था इसमें आपको आना है, और जो बूटस्ट्रैप की जो इनबिल्ट क्लासेस है पैडिंग और मार्जिन लगाने के लिए उसका यूज करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे PT का मतलब होता है पैडिंग दो, टॉप से दो, कितने की दो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 5 दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया। पेज को सेव कर लीजिएगा, उसके बाद अपने वेब ब्राउजर पर चलिएगा, पेज को रिफ्रेश करिएगा, ये देखिए नीचे आ जाएगा। अगर आपको और पैडिंग की वैल्यू ऐड करना है, सिर्फ इतने से काम नहीं चल रहा है, तो आप स्टाइल टैग का यूज करिए। यहाँ पे जाइए, स्टाइल टैग बनाइए और इसमें जाके लिखिए पैडिंग माइनस टॉप, और यहाँ पे पिक्सल में वैल्यू लिख दीजिए। जैसे कि मैंने कहा कि मुझे 70 पिक्सल का जो है पैडिंग देना है, और जब आप यहाँ पे लिखेंगे तो इस क्लास सेलेक्टर को रिमूव कर दीजिएगा क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। वेब ब्राउजर पे चलेंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आपका जो पैडिंग है वो और बढ़ के यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो ये देखिए थोड़ा और नीचे आ गया, और आप बढ़ाते जाइए वैल्यू को, और नीचे आता जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे 150 कर दिया, पेज को रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए इतना नीचे आ गया। तो जितना आपको सही लगे उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। यहाँ पर अगर हम लोग Amazon की वेबसाइट पे देखेंगे तो इसमें हो सकता है आपको CSS में पैडिंग प्रॉपर्टी दिखाई दे जाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये देखिए ए पैडिंग एक्स्ट्रा लार्ज करके जो है कि ये पैडिंग ऐड किया गया। अगर हम लोग इस CSS की प्रॉपर्टी को यहाँ पे सर्च करें
तो आपको ये देखिए ए पैडिंग एक्स्ट्रा लार्ज मिलेगा। इसमें देखिए पैडिंग की प्रॉपर्टी यहाँ पे दिया गया है। जब आप इस तरीके से पैडिंग की सीएसएस की प्रॉपर्टी का यूज करते हैं तो आपको चार वैल्यू देने होते हैं, जिसमें फर्स्ट वाला वैल्यू जो होता है पैडिंग टॉप से होता है, दूसरा वाला जो वैल्यू होता है वो पैडिंग राइट से होता है, तीसरा वाला जो वैल्यू होता है वो पैडिंग बॉटम से होता है, चौथा वाला जो वैल्यू होता है वो पैडिंग लेफ्ट से होता है। तो यहाँ पर सिर्फ तीन वैल्यू ही लिखे गए, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट वाला वैल्यू टॉप से है और जो दूसरा वाला वैल्यू है वो राइट से है। तो अगर आप चाहे तो यहाँ से ये जो 20 पिक्सल लिखा हुआ है, 26 पिक्सल लिखा हुआ है पैडिंग, आप इन्हीं वैल्यूज का यूज करके अपने वाले कोड में भी पैडिंग आप लगा सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर से देखें तो पैडिंग टॉप से दी गई है 20 पिक्सल की और राइट से दी गई है 26 पिक्सल की। और ये जो नॉट इम्पॉर्टेंट है इसका क्या मतलब होता है वो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। अभी पहले हम लोग पैडिंग की प्रॉपर्टी को सेट कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको अपने कोड में जाना होगा और यहाँ पर जो पैडिंग टॉप है उसको हम लोग छोटा करके जो है देखते हैं 20 पिक्सल करके, ये मैंने कर दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पैडिंग जो राइट से देंगे वो मैंने कर दिया 26 पिक्सल को। और उसके बाद हम लोग अपने वेब ब्राउजर पर चलते हैं और पेज को रिफ्रेश करते हैं। ये वाले पेज को रिफ्रेश करना है तो ये देखिए इस तरह का आ जाएगा। तो हमारे केस में इतने पैडिंग्स जो है काम नहीं चलेगा, तो हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा, तो हम लोग जो है बढ़ाकर वैल्यू लिखेंगे। तो फिलहाल जो मैं बूटस्ट्रैप का जो इनबिल्ट है मैं उसी का यूज करता हूँ। इन सबको मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, तो मैंने इसको रिमूव कर दिया। यहाँ पे मैंने पैडिंग टॉप 5 लिख दिया, इसी को मैं यहाँ पे रहने देता हूँ अभी अभी के लिए। पेज को रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए ठीक लग रहा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जो दूसरा वाला कार्ड है वो बनाते हैं। दूसरे वाले कार्ड में जो है जो एड्रेस आप सेव कर देंगे अपने अकाउंट में डेटाबेस में जाके वो आपको दिखाई देगा, तो कैसे बनाना है वो देख। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने कोड में एक नया कॉलम बनाना होगा और उसके अंदर जाके कार्ड बनाना होगा। तो हम लोग जो यही वाला कोड यहां से करते हैं कॉपी, ये मैंने किया कॉपी, और इसको यहां पे जाके हम लोग पेस्ट कर देंगे नीचे की तरफ जाके। दूसरा कॉलम मेरा बन गया। इसमें जो ए टैग है वो हम लोग रिमूव कर देंगे क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। कि जो दूसरा वाला कार्ड है अगर आप देखेंगे इसमें जो है आपको क्लिक करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, यहाँ पे एडिट और रिमूव पे आपको क्लिक करना होगा, लेकिन प्लस वाले में आपको मिल रहा था तो हमें इसमें ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे अपने कोड में चलते हैं और जो कॉलम हम लोगों ने बनाया, जो कार्ड बनाया, ये सारी चीजें बिल्कुल वैसी ही रहेंगी। और इसमें जो बॉर्डर की कोई जरूरत नहीं है तो हम लोग बॉर्डर को हटा देते हैं और हाइट और जो विड्थ है वो सही है और ये जो मार्जिन है टॉप से इसे भी हम लोग रिमूव कर देते हैं। ये जो चीज है इसकी भी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। और ये जो कार्ड टाइटल यहाँ पे लिखा हुआ है इसको भी हम लोग रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर जो कार्ड बना हो किस तरह का बना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें कार्ड का एक हेडर दिया गया है जो कि ऊपर की तरफ है, फिर कार्ड का बॉडी है, उसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है और फिर यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये चीज हम लोग को क्रिएट करना है, कैसे करना है आप देखते हैं। तो हम लोग अपने कोड में वापस चलेंगे और यहाँ पर जो कार्ड बॉडी था इसके ऊपर आपको आना होगा और कार्ड का हेडर बनाना होगा। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा डॉट कार्ड माइनस हेडर आपको लिखना है और फिर आपको यहाँ पे जाना है, इस पे दबाइए एंटर करिए, ये आपका कार्ड का हेडर बन जाएगा। इसके अंदर हम लोग फिलहाल जो टेक्स्ट लिखेंगे वो डिफॉल्ट लिखेंगे, तो मैंने H5 टैग का यूज किया और यहाँ पे मैंने डिफॉल्ट लिख दिया। इसके अंदर जो टेक्स्ट का कलर हम लोग देंगे वो हम लोग जो टेक्स्ट म्यूटेड वाला देंगे, तो मैंने यहाँ पे लिखा टेक्स्ट म्यूटेड, ये लिख दिया। पेज पे हम लोग चलते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं, दूसरा कॉलम बन चुका है, कार्ड बन के आ गया है और यहाँ पे ये डिफॉल्ट लिख के आ गया है। अब आप यहाँ पर एक चीज देख रहे होंगे कि ये कार्ड जो है आपको इससे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा। इसकी वजह यह है कि ये जो कार्ड यहाँ पे बना है वो जो है आपका लिंक टैग के अंदर नहीं बना है, वो लिंक टैग के बाहर बना है, जबकि जो इससे पहले वाला जो हम लोग का ये कार्ड था वो लिंक टैग के अंदर बनाया था। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे इसमें ये स्पेसिंग एड, तो इसी की वजह से जो आपका कार्ड थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई दे रहा है यहाँ पर इससे और इससे। तो इसको भी हम लोग ठीक करेंगे अभी इसी वीडियो में, कैसे करना है वो अब देखते हैं। तो इसके लिए आपको अपने कोड में वापस जाना होगा और उसके अंदर जाके जो आपने लिंक टैग में जो क्लास सेलेक्टर यूज किया यहाँ पर इसको आपको देखना है। इसमें आपको M-0 लिखना है, ये क्लास सेलेक्टर है बूटस्ट्रैप का, इसका मतलब होता है मार्जिन लगाओ हर तरफ से, टॉप से बॉटम से लेफ्ट से राइट से जीरो की, पैडिंग लगाओ हर तरफ से टॉप से बॉटम से राइट से लेफ्ट से जीरो की, ये कर देना है M-0 P-0। पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए कार्ड ऊपर आ जाएगा, सेम लाइन पे आ जाएगा बिल्कुल, और अब ये ठीक लग रहा है। के अंदर अगर आपको टेक्स्ट को थोड़ा छोटा करना हो तो आप छोटा कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने H5 का यूज कर लिया है तो आप यहाँ पे H6 का यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे H6 ले लिया, ये छोटा हो जाएगा ये देखिए, और यहाँ पर मैंने इसको छोटा कर दिया।
ये डिफॉल्ट लिख के आ गया। अब इसका बैकग्राउंड अगर आपको पसंद नहीं आ रहा, चेंज करना है, तो यहाँ पर कार्ड हेडर में लिखिए बीजी माइनस ट्रांसपेरेंट, आपको ये लिखना होगा। क्लास सेलेक्टर पेज को रिफ्रेश करेंगे, ट्रांसपेरेंट बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपको ये आइकॉन चाहिए अमेजोन वाला, तो हम लोग फिर से फॉन्ट ऑसम का यूज करके लगा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो एक कॉलर लगाते हैं और उसके बाद अपने कोड में जो है वेब ब्राउजर पर वापस चलेंगे, फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट आपको मिल जाएगी। यहाँ पर जाके आप अमेजोन लिखिए, एंटर दबाइए, तो आपको यहाँ पे अमेजोन का आइकॉन मिल जाएगा। अगर आपको इसी तरह का एकदम चाहिए, इसी तरह का जैसा यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसके लिए आपको इमेज डाउनलोड करना पड़ेगा इंटरनेट से, तो मैं वो नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे जो फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पे जो आइकॉन दिया गया, मैं इसी को ले ले रहा हूँ। तो यहाँ पर जो आपका फॉन्ट ऑसम का आइकॉन आ गया अमेजोन का, इसमें आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर ये जो है इस पे आपको क्लिक करना है, कॉपी हो जाएगा, अपने कोड में वापस जाइएगा, H6 टैग के अंदर जाना होगा, यहाँ पे पेस्ट कर देना होगा, और फिर अपने वेब ब्राउजर पे जब आप जाएंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से अमेजोन का ये बन के आने लगेगा। अगर आप चाहे तो इसमें कलर भी ऐड कर सकते हैं, वो करने के लिए आप जो बूटस्ट्रैप के जो इनबिल्ट कलर वाले क्लास सेलेक्टर है उनका यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे टेक्स्ट माइनस डेंजर लिख दिया, पेज पे चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए इस तरह का आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे लिखेंगे वार्निंग, पेज को रिफ्रेश करेंगे, तो इस तरह का आ जाएगा। तो जो भी कलर आपको पसंद हो उस कलर को आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है फिलहाल कलर को जो है रिमूव कर देता हूँ, कलर को नहीं रखता हूँ यहाँ पर, मैं इसको रिमूव कर दूंगा। और ये जो H6 टैग यूज किया, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा लग रहा है, तो हम लोग यहाँ पे P टैग का यूज कर लेते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा, यानी कि पैराग्राफ वाला टैग। पेज को हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे और ये देखिए ये इस तरीके से बन के आने लगेगा। अब यहाँ पर जो आपने टेक्स्ट लगाया है, इसमें भी आपको कुछ ज्यादा स्पेसिंग दिखाई दे रहा होगा, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपने कार्ड हेडर में जाइएगा, वहां पर जो आपने P टैग का यूज किया है, इसमें आपको वही P-0 यानी कि पैडिंग हर तरफ से जीरो कर दो, मार्जिन -0 कर दो हर तरफ से, और पेज को हम लोग रिफ्रेश करते हैं, तो आप ये देखेंगे छोटा हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट जो होता है, जो आपके HTML के टैग होते हैं, उनमें कुछ मार्जिन और पैडिंग जो पहले से ऐड रहता है, तो उसे जीरो करने पर इस तरीके से सेट हो जाता है। यहां पर मैं आपको एक चीज और बता दूं, मेरे वेब ब्राउजर पर जो है आपको ये जो वेबसाइट दिखाई दे रहा है उसे कुछ चीजें बड़ी दिखाई दे सकती है, पर आपके में छोटी दिखाई दे सकती है। और उसकी वजह क्या होता है कि जो वेब ब्राउजर का फॉन्ट साइज है वो आपने क्या सेट किया है। तो अगर आप अपने वेब ब्राउजर के फॉन्ट साइज को छोटा करेंगे तो यहाँ पर कुछ चीजें छोटी हो जाएंगी। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर अपने यहाँ पे जाऊं, यहाँ पर अगर आप जाके फिर ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अगर नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ पे फॉन्ट एंड कलर मिलेगा। अगर आप यहाँ पे जैसे मेरे यहाँ पे 18 है, अगर मैं इसे छोटा करके 14 कर दूं तो आप देखेंगे वेब ब्राउजर मेरा छोटा हो जाएगा। तो ये चीज भी होता है, और ये चीज सिर्फ जो है इसमें बूटस्ट्रैप में आप बना रहे सिर्फ इस वेबसाइट पर नहीं होता, ये चीजें दूसरी वेबसाइट पर भी होती हैं। जो आप डेली बेसिस पर वेबसाइट को विजिट करते हैं वहां पर भी अगर आप फॉन्ट साइज को छोटा बड़ा करेंगे तो इस तरीके से वेबसाइट का जो साइज है वो भी छोटा बड़ा होता है। तो हम लोग इसे वापस जो है 18 पे ही कर लेते हैं। अभी आपने यहाँ पर देखा होगा कि योर एड्रेसेस वाले पेज पर जो है ये क्यों नहीं बन के आ रहा, क्योंकि मैंने दो टैब पर जो है सेम पेज को ओपन करके रखा था, एक को मैंने रिफ्रेश किया था, एक को नहीं किया था, इसीलिए आपको यहाँ पर चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो रिफ्रेश करते ही चेंजेस आपको यहाँ दिखने लगेगा। तो इसे मैं क्लोज कर देता हूँ, दो पेज को खोलने की जरूरत क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो चीजें हैं ये सब कैसे बनेगा, ये कैसे नाम कैसे लिख के आएगा, ये सब कैसे आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने कोड में जाना है और वहां पर जो कार्ड बॉडी है इसके अंदर आपको सब काम करना होगा। और इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल P टैग का यूज करिए, सारी वैल्यूज लिखते चले जाइए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे P टैग का यूज किया, पहले में मुझे अपना नाम लिखना है तो मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया, और उसके बाद मुझे इस P टैग में क्लास सेलेक्टर का भी यूज करना है, और वो ये है फॉन्ट करके है, फॉन्ट वेट बोल्ड, ये मुझे यूज करना है। ये मिल गया क्लास सेलेक्टर, इसको मैंने सेलेक्ट किया, ये मेरा जो P टैग बन गया, और यहाँ पर जो ये था इसको मुझे इसके अंदर डाल देना है टेक्स्ट को, और इसमें से ये कर्ली ब्रैकेट्स जो है मुझे रिमूव करने होंगे। ये मैंने कर दिया, पेज पे चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं अपने पेज को, और ये देखिए आपका नाम यहाँ पे लिख के आ गया। अब आपको क्या करना है कि जो बाकी के जो आइटम्स है उनमें आपको वैल्यूज को P टैग का यूज करके एक एक करके लिख देना है। तो हम लोग अपने कोड में वापस चलेंगे, यहाँ पर जाएंगे, अब यहाँ पर भी आप जो है वही पैडिंग और मार्जिन वाला प्रॉब्लम देख पाएंगे। जो पैडिंग मार्जिन ऐड है तो आप क्या करिएगा, 0-0 पर सेट कर दीजिएगा। तो हम लोग अपने कार्ड बॉडी में यहाँ पर आएंगे, M-0 करते हैं, पेज पे चलते हैं, देखते हैं क्या हुआ, रिफ्रेश करना है, और उसके बाद कोई चेंजेस आपको नहीं दिखाई देगा। तो हम लोग यहाँ पे P-0 सेट करेंगे, P
पेज को रिफ्रेश करेंगे और ये देखिए एकदम ऊपर पहुंच जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है कि आप जो यहाँ पर पी वाई ले लीजिएगा, पी वाई माइनस जीरो, इसका मतलब होता है पैडिंग वाई एक्सिस पर जीरो कर दो। और वाई एक्सिस पर जीरो करने का मतलब होता है पैडिंग टॉप से और बॉटम से जीरो कर दो। जब आप यहाँ पे पी माइनस जीरो लिखते तो जो लेफ्ट की पैडिंग थी वो भी जीरो ऐड हो गया, इसलिए टेक्स्ट जो है एकदम चिपक के यहाँ पर आ गया। अब पेज को अगर आप रिफ्रेश करेंगे टेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा सा हट जाएगा और यहाँ ऊपर और नीचे की जो पैडिंग है वो रिमूव हो जाएगी। टॉप से जो पैडिंग है वो ठीक ना लग रहा हो तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप इसको पी माइनस जो है पी वाई माइनस जीरो ना लिख के खुद ही टॉप से पैडिंग दे दीजिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे वन का पैडिंग दे दिया, पेज को रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए इस तरीके से आ जाएगा। तो ये चीज कर लीजिएगा, अपने हिसाब से टेक्स्ट को जो सेट कर लीजिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे पास दूसरे आइटम्स हैं उनकी वैल्यूज को हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ पे ये जो एड्रेस लिखा हुआ ये मैं यहाँ पे जाके लिख दूंगा। तो हम लोग अपने कोड में वापस चलते हैं, यहाँ पे जाएंगे, इसी को हम लोग कॉपी करेंगे, इसी लाइन को कॉपी करना है। ये मैंने यहाँ पे सबसे पहले सेलेक्ट कर लूँ सही से, तो मैंने इसको कॉपी किया, एंटर दबाया, पेस्ट कर दिया। यहाँ पे जो बोल्ड है अब मुझे बोल्ड नहीं चाहिए तो मैं इसको यहाँ पे रिमूव करूंगा। यहाँ पे जो मुझे टेक्स्ट लिखना है वो मैं लिख दूंगा। तो वेब ब्राउजर पे क्या टेक्स्ट लिखा हुआ है वो देखते हैं। तो वेब ब्राउजर पे अगर आप जाएंगे अमेजोन की वेबसाइट पे जाएंगे तो एड्रेस लिखा हुआ है, एड्रेस में आपका हाउस का नंबर क्या है वो है, फिर आपका जो लोकेशन आप कहाँ रहते हैं वो है, फिर कौन से शहर में रहते हैं वो लिखा हुआ है, वो शहर कौन से स्टेट में आता है, उसके साथ पिन कोड क्या है वो लिखा हुआ है, कंट्री का नाम लिखा है, फोन नंबर लिखा हुआ है। तो यही सब हम लोग भर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहाँ पे हाउस नंबर लिखते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा हाउस नंबर यहाँ पे लिखना है, तो मैंने यहाँ पे 123 लिख दिया। उसके बाद जो था जो आपका घर है वो कौन से जगह पर है, लोकेशन कौन सा है, तो मैंने कहा ABC। उसके बाद जो दूसरा वाला जो तीसरा पैराग्राफ होगा वो मुझे बनाना होगा, तो मैंने तीसरा वाला बनाया। इसमें मुझे बताना था कौन से शहर में है वो आपको बताना, तो ये यहाँ पर है। कौन सा जो स्टेट है वो आपको लिखना है, तो वो मैंने स्टेट लिख दिया। और उसका जो पिन कोड है वो क्या है वो लिखना है, तो मैंने यहाँ पे 123456 ये मैंने लिख दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे कंट्री लिखना है, तो सेम वही काम करिए, पी टैग को जो कॉपी कर ही लिया था आपने पेस्ट कर दीजिएगा, कंट्री लिख दीजिए जो कि मेरे केस में है ये। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जाएंगे, एंटर दबाएंगे, फिर जो हम लोग को बताना था फोन नंबर लिखना था, तो हम लोग पी टैग को फिर से पेस्ट करेंगे। यहाँ पे आपको लिखना होगा फोन नंबर, और यहाँ पे फोन नंबर लिख दीजिए 123456789 और यहाँ पे 0 ये मैंने लिख दिया। वेब ब्राउजर पर हम लोग चलते हैं, पेज को एक बार रिफ्रेश करते हैं, सारी वैल्यूज जो यहाँ पर आ जाएंगी। अब ये सारी वैल्यूज में आप देख पा रहे हैं पैडिंग मार्जिन वाला जो प्रॉब्लम है वो है, तो इन सबको हमें रिमूव करना होगा। अब आप यहाँ पे एक चीज और देख पा रहे होंगे कि ये जो आपने यहाँ पे जो वैल्यूज ऐड किए उसकी वजह से हमारा कार्ड जो है वो ब्रेक क्यों कर गया। ये भी एक रीजन है, पैडिंग मार्जिन जो है वो तो है ही है, कार्ड ब्रेक क्यों कर गया, तो उसकी वजह यह है कि आपने जो है हार्ड कोडेड वैल्यू जो है विड्थ और हाइट में सेट कर दिया था, इसी की वजह से आपका कार्ड जो है ब्रेक कर गया। हार्ड कोडेड वैल्यू का मतलब होता है आपने डायरेक्टली बता दिया कि विड्थ सिर्फ इतनी ही होगी और हाइट इतनी ही होगी। अगर आप जो टेक्स्ट लिख रहे हैं उसकी वजह से अगर जो कंटेंट है उसके हाइट से बड़ा हो जा रहा है तो ये ब्रेक करके जो कार्ड के बाहर चला जाएगा। तो अगर आप इस तरह की सिचुएशन नहीं चाहते उस केस में आप क्या करिएगा, विड्थ और हाइट के दोनों ही जो प्रॉपर्टी को रिमूव कर दीजिएगा। मैंने यहाँ से दोनों को कट कर दिया, पेज पे जाइएगा, रिफ्रेश करिएगा, तो आपका कार्ड जो है अपने आप देखिए साइज छोटा बड़ा कर लेगा। तो हम लोग फिर से जो हार्ड कोडेड वैल्यू ही देते हैं और जो मार्जिन और जो पैडिंग वाला प्रॉब्लम है उन्हें हम लोग रिमूव करके देखते हैं कैसे क्या करना है। तो मैंने यहाँ पे इस क्लास सेलेक्टर को यहाँ से किया कॉपी, सबसे पहले दूसरा वाला जो पैराग्राफ उसमें जाके पेस्ट करेंगे और यहाँ पे वही आपको लिखना होगा, आपको लिखना है MY0 PY0 आपको लिखना है। देखते हैं क्या होता है, पेज पे चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखिए थोड़ा ऊपर आ गया। अब यही चीज आप बाकियों के साथ भी कर दीजिए, तो मैंने इसको यहां से कॉपी किया, यहां पर चलते हैं, पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया और यहां पेस्ट कर दिया, पेज पे चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं और ये देखिए सब कुछ एकदम अंदर आ गया। अब यहां पर जो है आपको जो है यहाँ पर भी गैप दिखाई दे रहा होगा, इसे अगर कम करना है तो हाउस नंबर वाले पर चलते हम लोग, यहाँ पे था इसके ऊपर हम लोगों ने ये लिखा था, तो इसमें जो है आपको क्या करना है वही काम करना है जो आपने यहाँ पे कॉपी किया था, इसी को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे जाके पेस्ट कर दीजिए। अपने कोड में वापस चलिए, रिफ्रेश करिए और ये देखिए ये भी ऊपर की तरफ आ जाएगा। इसके बाद आपके पास यहाँ पर ये एडिट और रिमूव वाला ऑप्शन था, एडिट पे क्लिक करने पर
आप इन वैल्यूज को एडिट कर सकते हैं और रिमूव पर क्लिक करने पर आप जो इस पूरे कार्ड को डिलीट कर सकते हैं। तो जो ये ऑप्शन है एडिट और रिमूव का वो भी हम लोग ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर जो हम लोग कार्ड का फुटर बना लेते हैं, फुटर में हम लोग दो बटन लगा देते हैं एडिट और रिमूव का। तो हम लोग यहाँ पे डॉट लगाएंगे, यहाँ पे लिखते हैं कार्ड, माइनस लिखना आपको, फुटर लिखना है। कार्ड फुटर बन गया और इसके अंदर आपको दो बटन लगाने होंगे और दोनों ही बटन जो है ए टैग का यूज करके बनाएंगे। तो ए कॉलन लिंक लिखिए, ये लिंक बन गया। क्लास लिखना है आपको, बीटीएन लिखना है, बीटीएन। आउटलाइन हम लोग लिखेंगे माइनस, यहाँ पे हम लोग कोई कलर ले लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया इन्फो। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बीटीएन एसएम लिखते हैं, यानी कि स्मॉल बटन चाहिए, साइज थोड़ा छोटा रखना है। और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एडिट। उसके बाद इसी कोड को हम लोग यहाँ से करेंगे कॉपी और यहाँ पे जाके कर देंगे पेस्ट। ये जो डिव टैग है वो एक्स्ट्रा बन गया, इसको यहाँ से रिमूव कर दीजिएगा। ये मेरा बन गया, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं रिमूव और यहाँ पर जो कलर है वो ले लेते हैं डेंजर वाला, तो ये मैंने ले लिया। उसके बाद यहाँ पे जो लिंक लगे हुए वहां पे हैश वाला सिंबल फिलहाल के लिए डाल देते हैं। और उसके बाद अपने जो है कोड में वापस चलते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं तो फुटर बन जाएगा। और ये देखिए एडिट और रिमूव आ गया। और यहाँ पे फुटर जो है ये जो है इसके ऊपर चढ़ जा रहा है, टेक्स्ट के ऊपर चढ़ जा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो हार्ड कोडेड हम लोगों ने हाइट की वैल्यू रखी है उसे हम लोग फिलहाल रिमूव कर देते हैं, क्योंकि इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। हाइट का मतलब होता है लंबाई, और आपकी जो समस्या आ रही है वो लंबाई में है, चौड़ाई में नहीं है, विड्थ में नहीं है। तो विड्थ की हार्ड कोडेड वैल्यू रहने देते हैं, हाइट को रिमूव कर देते हैं। पेज को रिफ्रेश करिएगा तो इस तरीके से आपका कार्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो एडिट कर पाएंगे, रिमूव पे क्लिक करेंगे तो एड्रेस रिमूव हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे आइकॉन लगाते हैं, यहाँ पे ये एडिट और रिमूव लिखने की क्या जरूरत है। तो फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पे जाना है, सर्च में जाना है, यहाँ पे एडिट लिखिए, एंटर दबाइए। तो ये देखिएगा कि आपको जो है एडिट करने के कई सारे आइकॉन आपको मिल जाएंगे, जो भी आपको पसंद हो वो आप ले लीजिएगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर ये वाला है पेंसिल वाला आइकॉन, ये मैंने इस पर डबल क्लिक कर दिया, पेंसिल वाला आइकॉन यहाँ पे आ गया। इसको यहाँ से कॉपी करिए, इसके आई टैग को अपने कोड में वापस चलिए, जहां पर आपने एडिट वाला लिखा है शब्द उसको यहां से रिमूव करना है, पेस्ट करना है। उसके बाद जो रिमूव के लिए है उसका आइकॉन हम लोग सर्च करते हैं, तो यहां पर हम लोग जाएंगे, यहां पर लिखेंगे रिमूव और यहां पर सर्च करेंगे। उसके बाद आपको यहां से रिमूव के कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, तो हम लोग जो ये वाला आइकॉन है इसको ले लेते हैं। तो हम लोग इस पर डबल क्लिक करते हैं, यहां से आई टैग को आपको कॉपी करना है, अपने कोड में वापस चलना है और रिमूव की जगह जाके पेस्ट कर देना है। अपने वेब ब्राउजर पर वापस चलिए, पेज को रिफ्रेश करिए और ये देखिए एड और रिमूव का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो एडिट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे तो रिमूव का मिलेगा। और अगर बैकग्राउंड व्हाइट रखना है तो बीजी ट्रांसपेरेंट वाला क्लास सेलेक्टर यूज कर लीजिए। तो अपने कोड में वापस चलते हम लोग, उसके बाद कार्ड फुटर में जो बैकग्राउंड था वो मुझे बीजी माइनस ट्रांसपेरेंट रखना है, वो मैंने कर दिया। यहां पर पेज पे चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये जो मेरा बटन यहाँ पे आ गया और ये सब कुछ फाइनली हो गया। तो इस तरीके से बन गया। अब अगर आपको एक और जो है एड्रेस को ऐड करना होगा तो आपको एक और कॉलम बनाना होगा और उसका जो है कार्ड आपको बनाना होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यही कॉलम हम लोग यहाँ से करते हैं कॉपी। ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। यहाँ पर जो ये ए टैग लगा है वो भी गलत लगा हुआ है, इस ए टैग को भी यहाँ से रिमूव कर दीजिएगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और ये आपका कॉलम था तो ये यहाँ से आपको ये पूरा कॉलम करना होगा कॉपी। ये मैंने यहाँ पे CTRL C दबा के कॉपी किया, एंटर दबाइए, पेस्ट कर दीजिए। दूसरा जो आपका कॉलम बन जाएगा, CTRL A दबा के राइट क्लिक करिए, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करिए, कोड की फॉर्मेटिंग सही हो जाएगी। अपने वेब ब्राउजर पर वापस जाइए, पेज को रिफ्रेश करिए और जो दूसरा वाला आपका एड्रेस है वो यहाँ पे लिख के आने लगेगा। अगर आप वेब ब्राउजर को छोटा करेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि रेस्पॉन्सिव वाला भी कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं रहेगा। और इसमें ये देखिए ब्रेक भी जो है बिल्कुल सही से हो रहा है, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सही है यूआई। अब हमारे पास यहाँ पर जो दूसरा वाला कार्ड मौजूद है, पहला वाला कार्ड जिसमें आप क्लिक करके एड्रेस ऐड कर रहे थे, अगर आप चाहे तो इसके भी जो हाइट है उसे आप जो है रिमूव कर सकते हैं। तो हम लोग उसे रिमूव कर देते हैं, उसकी कोई जरूरत भी नहीं है, हार्ड कोडेड वैल्यू देने से कुछ होगा नहीं, उसे रिमूव ही कर देते हैं। तो हम लोगों ने जो पहला वाला कार्ड बनाया था यहाँ पे बनाया था, इसमें ये हाइट लिखा था तो इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ये मैंने रिमूव कर दिया, एक सेमी कॉलन मैंने हटा दिया। फिर हम लोग अपने वेब ब्राउजर पर वापस चलेंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कार्ड छोटा हो जाएगा, जो कि ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर इसको करेंगे तो रिस्पॉन्सिवनेस भी जो है वो आपका बना रहेगा, कॉलम जो है प्रॉपरली ब्रेक हो जा रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अगर आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आप वेब डेवलपर पे जाएंगे, रेस्पॉन्सिव डिजाइन मोड पे जाएंगे, तो इस तरीके से जो आपको कार्ड दिखाई देगा। अगर आप यहाँ पे जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा दिखाई देगा, यहाँ पे जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे जाएंगे तो इस तरीके से ये चीज हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे, जब हम लोग वेब ब्राउजर के साइज को छोटा कर रहे हैं तो कार्ड आपस में बिल्कुल चिपक जा रहे हैं एकदम। तो अगर आप ये नहीं चाहते तो आप एक काम करिएगा, जो आपने विड्थ सेट किया है उसे आप हटा दीजिएगा, उसे आप रिमूव कर दीजिएगा। अगर हम लोग यहाँ पर रेस्पॉन्सिव डिजाइन मोड में जाते हैं तो आप देखेंगे कि कार्ड एकदम चिपक जा रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पर जाए अलग अलग मोड पे तो एकदम चिपक के आ रहा है। तो अगर आप इसे हटाना चाहते हो तो आप विड्थ की वैल्यू को हटा दीजिएगा। वैसे अगर हम लोग चाहे तो मार्जिन पैडिंग ऐड करके चीजों को जो स्पेसिंग बना सकते हैं, पर मैं विड्थ को भी हटा दे रहा हूँ उस वैल्यू को भी, क्योंकि उसकी भी क्या कोई जरूरत तो है नहीं। तो हम लोग उसे भी रिमूव कर देते हैं कार्ड में से, जो हम लोगों ने हार्ड कोडेड वैल्यू लिखा हुआ है इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर ये मैंने इसको रिमूव कर दिया, नीचे चलते हैं, ये मैंने यहाँ पे लिखा था, ये पूरा का पूरा मैं स्टाइल टैग ही इसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा, यहाँ से भी मैंने इसको रिमूव कर दिया। पेज पे चलते हैं हम लोग, रिफ्रेश करते हैं, रिमूव हो चुका है। अब अगर आप जो है अपने वेब ब्राउजर को छोटा करेंगे तो आप देखेंगे कि अब वो विड्थ वाले की वजह से प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखिए जो आपके कार्ड है वो आपस में बिल्कुल चिपक नहीं रहे, तो विड्थ की प्रॉपर्टी हटाने से चीज ठीक हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको फिर से बता दिया कि यही सेम चीज मैं जो है मार्जिन और पैडिंग प्रॉपर्टी देखी भी इस चीज को ठीक कर सकता था, पर मैंने वो नहीं किया। अब हम लोग जो है ये जो हम लोगों ने लिखा है इसमें जो मार्जिन हम लोगों ने दिया था उसे भी हम लोग रिमूव कर देते हैं, तो ये जो चीज है ऊपर की तरफ आ जाएगा। अपने कोड में वापस चलते हैं, यहाँ पर जहाँ पे जो कार्ड बॉडी आपने लिखा है इसमें जो लिखा है मार्जिन टॉप से देना है 5 का, उसे रिमूव कर दीजिए और फिर अपने कोड में वापस चलिए, पेज को रिफ्रेश करिए, ये देखिए ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो ये जो था आपका यूजर इंटरफेस बन गया योर एड्रेसेस के लिए, और मैंने आपको हर तरह के चेंजेस भी करके दिखा दिए, जो आपको पसंद हो आप उसको रखिएगा, उस हिसाब से वर्क करिएगा जैसा आपको सही लगे। और बाकी ये जो रेस्पॉन्सिव भी बन चुका है, अब यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो रेस्पॉन्सिवनेस चेक कर लेते हैं, सही है। छोटा होने पर देखिए एक के नीचे एक आ जा रहा है, यहाँ पर देखिए ये चीज भी सही है, ये सब कुछ बिल्कुल सही से काम कर रहा है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि छोटा होने पर जो है इसमें, ये मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पर जो आप ये देख पा रहे हैं हमारे पास जो कार्ड है इसमें टॉप और बॉटम की तरफ जो है बिल्कुल हम चिपक के आ रहा है, इसमें कोई स्पेस नहीं है। तो अगर आप स्पेस ऐड करना चाहते हो तो आप अपने कॉलम पे जो है मार्जिन ऐड कर सकते हैं, कैसे करना है वो देखते हैं। तो इसके लिए आपको अपने कोड में जाना होगा और यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जो आपने ये कॉलम बनाया इसमें जाइए और यहाँ पे लिखिए MY-breakpoint आपको लिखना होगा, मैंने यहाँ पे लिखा MD-, यहाँ पे आपको लिखना है 0। अगर जो है स्क्रीन का जो विड्थ है, चौड़ाई है, उसका जो मिनिमम विड्थ है वो मीडियम साइज का जो स्क्रीन होता है उसके बराबर या उससे बड़ा है तो टॉप और बॉटम पे मार्जिन रखना है 0। वाई का मतलब है वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस जो है माउस के कर्सर के मूवमेंट को देखिएगा, ये होता है और इसमें जो आपका टॉप और बॉटम आता है। और यहाँ पे लिखेंगे कि अगर मीडियम जो स्क्रीन का जो विड्थ है वो या उससे बड़ा हो तो 0 देना है, और अदरवाइज जो है आपको यहाँ पे 2 का जो है मार्जिन देना है। और यही कोड को जो है हम लोग कॉपी करेंगे, बाकी के जो कॉलम्स है उनमें जाके आपको पेस्ट कर देना। तो मैंने यहाँ पे कर दिया, के बाद जो दूसरा वाला कॉलम था, तीसरा वाला कॉलम, उसमें मैं पेस्ट कर दूंगा। पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप ये देखिएगा सबके बीच में गैप क्रिएट हो जाएगा। अब अगर हम लोग इसमें वापस चलते हैं, यहाँ पे जाते हैं तो ये देखिए गैप क्रिएट हो गया, आप बिल्कुल चिपक के जो है नहीं आ रहा है। जो भी टेक्निक आपको पसंद हो वो आप कर लीजिएगा। अगर आपको ये कार्ड जो है अच्छा ना लग रहा हो तो जो सेटिंग्स मैंने आपको पहले दिखाया था वही डाल दीजिएगा। मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, तो आपको अपने कोड में जाना होगा, पहला वाला जो कार्ड है वहां पे आप जाइए और यहाँ पर जो आपने स्टाइल लिखा था यहाँ पे जाना, आपको विड्थ लिखना होगा कितना था, 320 था पिक्सल, यहाँ पे सेमीकॉलन लगाइए। उसके बाद आपके पास हाइट था कितना था, जो था 266 पिक्सल था, सेमीकॉलन लगाइए। उसके बाद आपके पास जो था ये कार्ड बॉडी था, कार्ड बॉडी के अंदर आपको मार्जिन टॉप से 5 का देना था, मैंने दे दिया। पेज पे चलते रिफ्रेश करते और ये देखिए इस तरह का आ गया फिर से। तो ये जो था हम लोग का योर एड्रेसेस का यूजर इंटरफेस जो था पेज था वो बन चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने कोड में चलते हैं और जो गिट का यूज करके सारा कोड जो हम लोग सेव करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले चेंजेस में जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो स्टेजिंग एरिया में सारे चेंजेस आ जाएंगे। फिर इस कोड को हमें कमिट करना होगा, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्रिएटेड योर एड्रेसेस पेज, ये मैंने लिख दिया। मैसेज लिखना होता कमिट के लिए,
टिक मार्क पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, पुल पुश पे जाना है, पुश टू पे जाना है, गिटहब का यूआरएल यहाँ पे सेलेक्ट करना है और जो मेरा कोड है वो गिटहब पे पहुंच जाएगा। और ये गिट क्या है, गिटहब क्या है, मैंने अपने चैनल पे ट्यूटोरियल डाल दिया। और मैं इस पूरे जो मन स्टैक का जो अमेजोन का जो हम लोग क्लोन बना रहे हैं इसमें हम लोग गिट का पूरे प्रोजेक्ट में यूज करेंगे, तो इसलिए आप देख लीजिएगा। अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं तो ये पोर्शन स्किप कर दीजिएगा, कोई जरूरत नहीं इसको देखने की। इस वीडियो से जुड़ा अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और अगर आप चाहें तो मुझे मेरे ईमेल पर भी अपने डाउट जो है लिखकर भेज सकते हो, जो कि आप वीडियो के नीचे देख पा रहे होंगे, ईमेल मेरा लिख के आ रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए जो है आप यहाँ पर जो ये देख पा रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं, और अगर आपको प्लेलिस्ट देखना तो आप उसके ठीक नीचे क्लिक कर सकते हैं, सबको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।